हेलो गाइस, मैं सुलेमान कंसल्टेंट फार्मासिस्ट अपने डियाक्स रब्बानी चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो कैरीपिल टैबलेट, जो बहुत ही ज़बरदस्त टैबलेट है, बहुत अच्छी टैबलेट है। ये इसके बहुत बेनिफिट्स हैं और क्या क्या यूज़ हैं, किस काम में आती है, कैसे ये काम करती है, क्या डोज है, कैसे लेना है, इस सब के बारे में आपको बताऊँगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मैं वीडियो टैबलेट कैरीपिल टैबलेट जो माइक्रोलैब्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाती है, कैरीपिल एक ब्रांड नेम है। इसके अंदर जो साल्ट होता है वो कैरिका पपाया होता है, यानी कैरिका पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट होता है, जो कैरिका पपाया जो पपीते की पेड़ होता है उससे एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है। इसके कैरीपिल में जो कैरिका पपाया होता है वो 1100 mg होता है। और बताना चाहूँगा कैरीपिल जो टैबलेट है ये OTC ड्रग, ओवर द काउंटर ड्रग है। इसका नेचर जो है कैरीपिल टैबलेट का वो एल्कलाइन है, एल्कलाइन कैटेगरी की ये ड्रग है। अब बात करते हैं ये ड्रग मतलब कहाँ किस किस काम में यूज़ होती है, कहाँ यूज़ होती है। इसका बहुत सारा यूज़ है, जैसे डेंगू हो जाता है, डेंगू बुखार, डेंगू की वजह से फीवर आता है, फीवर आने की वजह से हमें प्लेटलेट डाउन हो जाती है, तब भी इसका यूज़ होता है। प्लेटलेट्स बढ़ाने में थ्रम्बोसाइट्स कम होने लगते हैं हमारी ब्लड्स में से, तो उसको बढ़ाने के लिए हम कैरीपिल टैबलेट देते हैं, डॉक्टर जो कैरीपिल प्रिस्क्राइब करते हैं। चिकनगुनिया हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है, स्टोमक अल्सर हो जाता है या प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, इन सब में जो इसका यूज़ होता है कैरीपिल टैबलेट। बात करते हैं ये हमारे शरीर में जाके कैसे काम करती है कैरीपिल टैबलेट। कैरीपिल टैबलेट क्या होता है, पपीते का पेड़ होता है, पपीते के पेड़ से एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद हम कैरीपिल टैबलेट बनाते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले इसको बनाते हैं। और इस कैरीपिल एक्सट्रैक्ट जो निकालते हैं हम, इसमें कैरिका पपाया का जो एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, इसके अंदर एक एंजाइम होता है पेपिन। पेपिन जो एक प्रोटोलाइटिक एंजाइम होता है। प्रोटोलाइटिक एंजाइम क्या है, हमारे शरीर में जाने के बाद में थ्रम्बोसाइट्स होते हैं ब्लड के अंदर, हमारी ब्लड में थ्रम्बोसाइट्स होते हैं उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी उसको बढ़ा देते हैं। थ्रम्बोसाइट्स का काम क्या होता है, थ्रम्बोसाइट्स जो हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स को बढ़ाते हैं, प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। तो जब हमने जैसे कैरिका पपाया की टैबलेट ली तो उसके अंदर जो पेपिन प्रोटोलाइटिक एंजाइम है वो थ्रम्बोसाइट को बढ़ा देगा। जब थ्रम्बोसाइट बढ़ जाएगा तो पेपिन वो प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जब प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगी। और जो ये पेपिन होता है, जैसे प्लेटलेट हमारी कम होती है तो उसको थ्रम्बोसाइटोफेनिया ही बोलते हैं। थ्रम्बोसाइटोफेनिया का मतलब होता है लो प्लेटलेट्स, यानी प्लेटलेट्स का कम हो जाना। तो जब हमारे बॉडी के अंदर थ्रम्बोसाइट्स का लेवल बढ़ जाता है तो थ्रम्बोसाइटोफेनिया का लेवल कम हो जाता है, यानी प्लेटलेट्स बढ़ने लगती हैं। तो थ्रम्बोप्रोटीन जो होता है हमारे शरीर के अंदर वो क्या करता है, हमारे शरीर में एक इंटरल्यूसिन 6 करके एक मेडिएटर होता है हमारे लीवर में, उसको एक्टिवेट कर देता है इंटरल्यूसिन जब एक्टिवेट हो जाएगा तो वह हमारे लीवर की एक्टिविटी को बढ़ा देगा और वो क्या करेंगे प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, थ्रम्बोप्रोटीन के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा लीवर के अंदर। जब थ्रम्बोप्रोटीन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स का लेवल बढ़ जाएगा, थ्रम्बोसाइटोपेनिया कम हो जाएगा। और ये पेपिन एंजाइम जो हमारे बॉडी शरीर के अंदर डाइजेशन में भी हेल्प करता है, अगर हमारा इनप्रॉपर डाइजेशन है तो उसमें भी हेल्प करता है। नॉन लिविंग प्रोटीन्स को मतलब डाइजेस्ट कर देता है, ये फैट को डाइजेस्ट करता है। बात करते हैं इसकी डोजेस क्या क्या है इस पर। जैसे अगर मान लो किसी प्लेटलेट्स काउंट से, वैसे डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है प्लेटलेट्स काउंट्स के ऊपर करता है, अगर ज़्यादा प्लेटलेट्स काउंट्स कम है तो एडल्ट में एक एक टैबलेट सुबह दोपहर शाम देते हैं। एक टैबलेट में 1100 mg कैरिका पपाया होता है, यानी सुबह दोपहर शाम 5 days के लिए देते हैं। अगर प्लेटलेट्स मतलब 1 lakh से ऊपर हैं तो 2 टैबलेट सुबह शाम देते हैं, एडल्ट डोज है ये। और इसका सिरप भी आता है, टैबलेट भी आती है, सिरप भी आता है। और सिरप जो होता है 5 ml का 375 mg होता है, यानी एडल्ट में 10-10 ml सुबह शाम दे सकते हैं खाने के बाद। और अगर बच्चा है, चिल्ड्रन है, मतलब 3 साल का 4 साल का बच्चा है तो 55 mg दे सकते हैं सुबह शाम, 55 mg TDS या सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। और अगर 40 किलो वेट से ज़्यादा है, अगर एज से अगर कि कुछ ऐसे होते हैं जिनका वेट जो ज़्यादा हो जाता है, एज के हिसाब से वेट ज़्यादा हो जाता है, तो अगर वेट उसके अंदर 40 किलो है तो उसको पूरी टैबलेट हम दे सकते हैं TDS सुबह दोपहर शाम,
यानी 40 किलो से ज़्यादा है तब भी हम पूरी टैबलेट दे सकते हैं उसको, और 1 से 17 साल तक है तो 550 mg TDS दे सकते हैं। और बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो जनरल से साइड इफ़ेक्ट है इसके नोज़िया, वोमिटिंग, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। हाँ ये मैंने कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी किस किस के साथ में नहीं लेना है, तो ये कैरेबल टैबलेट जैसे अल्कोहल के साथ में नहीं लेना है, अगर कोई अल्कोहल ले रहा है तो उसके साथ में नहीं लेना है, और मेटफॉर्मिन अगर ले रहा है तो उसके साथ में भी नहीं लेना है, पेशेंट ने मेटफॉर्मिन के साथ में भी नहीं लेना है। और ये मैंने आपको बताया कैरेबल टैबलेट के बारे में। होप सब आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।